नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से धर्मेंद्र सिंह की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। जल निगम विभाग कर रहा है आम आदमियों का जीना मुहाल। गुरु पूर्णिमा मेले पर जल निगम की लापरवाही को लेकर जहां डीएम साहब ने कड़ी फटकार लगाते हुए एसडीएम गोवर्धन को जल निगम के विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिए थे, वहीं बावजूद इसके अलावा आज तक जल निगम विभाग अपनी लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहा है और ना ही आज तक उसके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई हो पाई है। तमाम अनियमितताओं के बाद भी शासन प्रशासन आंख बंद करके जल निगम की लापरवाहियों को नजरअंदाज करता चला आ रहा है। ताजा मामला गोवर्धन कस्बे के नगर पंचायत के पास का है, जहां जल निगम विभाग ने जेसीबी से पूरी सड़क को खोदकर छोड़ दिया है। एक हफ्ते पहले जेसीबी द्वारा नाले का निर्माण करने के बहाने पूरी सड़क को खोदकर ऐसे ही छोड़ा गया है और आज तक उसे बनाने का कोई भी प्रयास जल निगम की ओर से नहीं किया गया। टूटी सड़क आज तक ऐसे ही पड़ी हुई है और परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को उस टूटे हुए मार्ग से गुजरना पड़ रहा है तथा भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि जल निगम ने जेसीबी से नाली और सड़क को तोड़ने के बहाने स्थानिक लोगों के घरों में पीने के पानी के लिए लगे हुए नलों तक को उखाड़ दिया है, जिस पर आला अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और न ही विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि जल निगम की मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी या आला अधिकारी जल निगम के खिलाफ कोई एक्शन भी लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं स्थानिक नागरिकों का इस विषय पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये यहाँ पे जल निगम ने जो ये रोड खोद के पटक दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जल निगम की एक लापरवाही समझी जाए, क्योंकि ये चार पांच दिनों से ये है इसी तरह से फोड़ दिया गया है, उसके बाद में इसकी कोई सुनवाई नहीं हो, ना ही ये बनाया जा रहा है। कितने दिन हो गए इसको तोड़े हुए? लगभग कम से कम 5-6 दिन हो चुके हैं आज। 5-6 दिन हो चुके हैं इसको आज तोड़े हुए। तोड़ के पटक गए, इसको बनाने नहीं आए फिर दोबारा? अभी तो कोई बनाया है, तोड़ करके चले गए, वो जो है तोड़ ताड़ के कोई सुनवाई नहीं हो रही है फिलहाल में। तो क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, आज जो है वाहनों का जाम लग जाता है और प्रक्रमार्थी जो है चोटल होते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, बच्चे को ठोकर लगती है। अच्छा, बहुत परेशानी का विषय है। कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं अब तक? बिल्कुल हुए हैं। तो ये निगम के कर्मचारी क्या कहते हैं? निगम कर्मचारी क्या कहते हैं, वो जो है अपनी जो है ये फोड़ तोड़ करके चले जाते हैं, कोई अभी कार्यवाही इसमें हो नहीं रही है। नाला बनेगा उसके बाद में ये देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस समय तो अपना कारोबार करके ये अपने चले गए। बनाने आते ही नहीं है वो, बनाने क्या आएंगे, उसको तोड़ करके चले गए। बनाने के बाद काम करना था इनको अपना, तो संग से इसको तोड़ते, जब इस तोड़ते उस समय कार्य करते, जल निगम कार्य में लापरवाही हो रही है। जल निगम के कोई अधिकारी आए इसको बनाने? जल निगम के कोई अधिकारी आए थे इसमें जो है, कहा ये देखने आए कोई जेसीबी का जो है ना, क्या बोलते हैं ये जेसीबी का जो है, जेसीबी तो तोड़वा देगी थी, एक जो ठेकेदार भी गिरा था, कौन था पता नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया इसको? अधिकारी कोई नहीं था।